हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का यश टीवी पर आज की इस वीडियो में हम सीएल एजुकेट लिमिटेड के क्वार्टर टू के नतीजों को रिव्यू करने वाले हैं तो सीएल एजुकेट ने अपने क्वार्टर टू रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं फॉर एफ वाई ट्वेंटी टू और यही मैं आपके सामने एकदम सिंपल भाषा में रखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको भी ये फाइनेंशियल टर्म्स इजिली समझ में आ जाए और यहाँ पर कंपनी में क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही है इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपनी के बिजनेस का बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ ये कंपनी बेसिकली दो मेजर सेगमेंट्स में काम करती है सबसे पहला सेगमेंट है यहाँ पर करियर लॉन्चर तो ये इनका बी टू सी बिजनेस है बेसिकली ये कंपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करती है उन्हें कोचिंग्स प्रोवाइड करती है टेस्ट प्रिपरेशन किट्स देती है और बहुत सारी रेलिवेंट चीजें ये कंपनी प्रोवाइड करती है एग्जाम्स में तैयारी करने के लिए एंड दूसरा बिजनेस सेगमेंट है की तो यहाँ पर यह कंपनी बी टू बी सर्विसेस प्रोवाइड करती है की के जरिए कंपनी यहाँ पर मार्केटिंग एंड इवेंट्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ऑनलाइन इवेंट्स जो होते हैं सेमिनार्स वेबिनार्स ऐसे ऑनलाइन इवेंट्स होल्ड करने के लिए यह कंपनी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसका नाम है की सो so, यहाँ पर करियर लॉन्चर ये 25 साल पुराना ब्रांड है ये कंपनी 25 सालों से ये बिजनेस में है करियर लॉन्चर ये 25 साल पुराना ब्रांड है जो पहले ऑफलाइन काम करता था और अभी ये ऑनलाइन आ, आ चुका है कोविड 19 के बाद कंपनी का 90 परसेंट बिजनेस ये अभी ऑनलाइन आ चुका है दोस्तों सीएल एजुकेट के बिजनेस के बारे में मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया जिसके बारे में मैंने सब पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो अगर आपको सीएल एजुकेट के बिजनेस के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरा ये वाला वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है कंपनी में बहुत सारे बड़े बड़े मार्केट इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है एंड एच डी एफ सी लिमिटेड ये वन ऑफ द इन्वेस्टर है जो यहाँ पर फोर पॉइंट वन नाइन परसेंट स्टेक ये सीएल एजुकेट में ओन करता है तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं सीएल एजुकेट लिमिटेड के क्वार्टर टू रिजल्ट्स के बारे में तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज़ जो है ये 16 परसेंट से ग्रो हो चुके हैं क्वार्टर टू में सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 53.2 करोड़ रुपीस का सेल्स रिकॉर्ड किया है जो कि लास्ट ईयर सेम सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने केवल फोर्टी करोड़ रूपीज के सेल्स रिकॉर्ड किए थे तो कंपनी के रेवेन्यूज ये काफी अच्छे तरह से ग्रो हुए हैं और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो ये क्वार्टर वन से भी बेटर है जो कि टेन परसेंट से ग्रो हुआ था सो क्वार्टर वन एफवाई ट्वेंटी टू में कंपनी के जो रेवेन्यूज है ये दस परसेंट से ग्रो हुए थे और अभी ये सिक्सटीन परसेंट से हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो जून ट्वेंटी ट्वेंटी एंड सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी में कंपनी ने फोर्टी सेवन पॉइंट एट एंड फोर्टी फाइव करोड़ रुपीज के सेल्स रिकॉर्ड किए थे और वही इस साल में कंपनी ने जून ट्वेंटी ट्वेंटी में फिफ्टी वन पॉइंट एट एंड सेप्टेंबर में फिफ्टी थ्री पॉइंट टू करोड़ रूपीज के सेल्स रिकॉर्ड किए हैं तो कंपनी की जो रेवेन्यूज है ये काफी बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर भी बढ़ रही है एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है और यही अगर हम फर्स्ट हाफ एफ वाई ट्वेंटी टू की बात करें तो इनकी रेवेन्यूज ये थर्टीन परसेंट से ग्रो हुई है यानी अगर हम जून क्वार्टर एंड सेप्टेम्बर क्वार्टर के रेवेन्यूज ये जोड़ दे तो कंपनी के रेवेन्यूज ये एफ वाई ट्वेंटी टू में थर्टीन परसेंट से ग्रो हुए हैं एज कम्पेयर टू एफ वाई ट्वेंटी वन आगे क्वार्टर टू ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन ये भी 13.6 परसेंट से ग्रो हुए हैं। तो ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन से अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अदर इनकम्स ये एक्सक्लूडेड होती है तो ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन हमें बेसिकली क्या बताते हैं कंपनी ने एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन से कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट ये जनरेट किया है और इसमें से कंपनी की सारी अदर इनकम्स एंड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट ये सारी एक्सक्लूडेड है सो दोस्तों क्वार्टर की जो ऑपरेटिंग मार्जिन साढ़े तेरह ये सबसे बेस्ट है एज कंपेयर टू अदर क्वार्टरली ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी ने अपने एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन से कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है तो यहाँ पर क्वार्टर टू एफ वाई ट्वेंटी टू में कंपनी ने थर्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट का ऑपरेटिंग एबिटा ये रिकॉर्ड किया है और यहाँ पर आप किसी

तो फर्स्ट हाफ में कंपनी ने ऑपरेटिंग एबिटा ये फोर परसेंट का रिकॉर्ड किया था और केवल चार करोड़ का ऑपरेटिंग एबिटा ये जनरेट किया था सो दोस्तों यहां पर हमें हाफ ईयरली ऑपरेटिंग एबिटा में इजी थ्री एक्स से ज्यादा का ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से नई चीजें सीखने मिल रही है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं और स्टॉक्स के बारे में ऐसा फाइनेंशियल रिव्यू करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए अभी हम टोटल एबिडा मार्जिन की बात करेंगे जिसमें अदर इनकम्स ये इंक्लूडेड होती है पहले हमने ऑपरेटिंग एबिडा मार्जिन की बात करी जिसमें अदर इनकम्स ये एक्सक्लूडेड होती थी तो यहाँ पर एफआई ट्वेंटी टू के फर्स्ट हाफ में कंपनी ने टोटल एबिटा मार्जिन से फिफ्टीन करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड किया है जो कि लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में कंपनी ने केवल नाइन करोड़ रुपीस का टोटल एबिटा रिकॉर्ड किया था सो so, दोस्तों यहां पर मैं एक सिंपल लॉजिक लगाता हूं अगर हम टोटल एबिटा में से ऑपरेटिंग एबिटा को माइनस कर दे यानी 15 करोड़ रुपीज में से 13.5 करोड़ रुपीज को माइनस कर दे फर्स्ट हाफ में तो एफआई ट्वेंटी टू के फर्स्ट हाफ में कंपनी ने केवल 1.5 करोड़ रुपीज की अदर इनकम जनरेट करी थी और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें एफ की तो नाइन करोड़ में से फोर करोड़ अगर हम माइनस कर देते हैं तो फाइव करोड़ रुपीज कंपनी की अदर इनकम हो जाती है एफ के फर्स्ट हाफ में तो ये एक दोस्तों क्लियर इंडिकेशन है लास्ट ईयर कंपनी की अदर इनकम ज्यादा थी कंपनी

है, लेकिन हर क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए कंपनी का मेन फोकस अपने एक्चुअल कोर बिजनेस पर रहना चाहिए और वहीं पर कंपनी को टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो करने में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए तो यहाँ पर FY22 के फर्स्ट हाफ में कंपनी की मेजर अर्निंग्स जो है मेजर चंक ऑफ अर्निंग्स ये इनके एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन से आया है ये इनकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को दर्शाता है और यहाँ पर कंपनी की जो अर्निंग्स की क्वालिटी है ये धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रही है ये इसका साइन है आगे सेगमेंटल रेवेन्यूज की बात करें इस साल के क्वार्टर टू में तो यहाँ पर सबसे पहले करियर लॉन्चर बिजनेस से कंपनी ने 22 परसेंट का रेवेन्यू ग्रोथ या रिकॉर्ड किया है जो कि इनका बी टू सी बिजनेस है एंड दूसरा की स्टोन जो इनका बी टू बी बिजनेस है वहां पर कंपनी ने टेन परसेंट का रेवेन्यू ग्रोथ ये रिकॉर्ड किया है सो so दोस्तों करियर लॉन्चर के रेवेन्यूज में हमें एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिला है जहां पर ये कंपनी कोचिंग्स एंड टेस्ट प्रिपरेशन किट्स बनाती है और दूसरा की स्टोन बिजनेस ये भी स्लोली एंड स्टेडीली अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने लगा है और आने वाले क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर में हमें की की तरफ से और भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने मिल सकते हैं ऐसा कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है नेक्स्ट है कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग तो यहाँ पर सबसे पहला है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास 39 नाइन करोड़ रुपीज की म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स है नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट्स तो फिक्स डिपॉजिट्स ये काफी फ्लैट चल रही है 13.4 पॉइंट करोड़ रुपीज़ पर एंड कंपनी के पास ट्वेंटी पॉइंट नाइन करोड़ रुपीज का कैश एंड कैश इक्वी पड़ा है तो ग्रॉस कैश हो जाता है 73.5 करोड़ रुपीज और इसमें से अगर हम कंपनी की टोटल बोरिंग्स को माइनस करें और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को माइनस करें तो कंपनी के पास 34 करोड़ रुपीज का नेट कैश बच जाता है तो कंपनी ये नेट कैश पॉजिटिव कंपनी है कंपनी के ऊपर डेट ये काफी लेस है अराउंड फोर करोड़ रुपीस का कर्जा है कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में और कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना एम ये साफ कर दिया है कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में उन्हें कंपनी की बैलेंस शीट को डेट फ्री कर देना है और ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपनी की बैलेंस शीट को डेट फ्री रखना चाहते हैं तो ये एक एम साफ कर दिया है कंपनी के प्रमोटर्स ने नेक्स्ट कंपनी के पास 80 करोड़ रुपीस की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है जो कि वो कन्वर्ट करना चाहते हैं कैश में ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को भेज ऑलरेडी कर, 11 करोड़ रुपीस ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं और आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये पूरा 80 करोड़ रुपीस ये कैश में कन्वर्ट करेंगे और अपने बिजनेस में ये वापस पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसा कंपनी के प्रमोटर्स ने कहा है तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने अपना विजन ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसे डेट फ्री करना है नेक्स्ट है कंपनी के रिटर्न तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अभी काफी ज्यादा कम है तो ये कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसे भी इन्हें 15 के ऊपर लेकर जाना है और आगे चलकर उन्हें एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है सो so दोस्तों यहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट ने पूरे अपने इरादे साफ कर दिए है कंपनी को लेकर शेयर होल्डर्स के लिए आगे चलकर वो वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं वो चाहे वो बाय हो या फिर बोनस शेयर या फिर स्प्लिट शेयर हो रिसेंटली कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया है और आगे चलकर वो बाय बैक एंड बोनस भी कंसिडर कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए कंपनी का जो रिटर्न ऑन एक्विटी है ये अब भी काफी ज्यादा कम है लेकिन उन्हें आने वाले फ्यू क्वार्टर्स में इसे 15 परसेंट से भी ऊपर लेकर जाना है और इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो यहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट का टारगेट ये क्लियर है और ये इसे आगे चलकर कैसे अचीव करते हैं ये हमें इसके आगे आने वाले अपडेट्स में पता चल जाएगा आगे सीएल एजुकेट के वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 310 हंड्रेड एंड टेन करोड़ रुपीज पर है एंड एंटरप्राइज वैल्यू ये 276 सेवेंटी सिक्स करोड़ रूपीज निकल कर आती है एंटरप्राइज वैल्यू यानी वो कीमत जिस पर पूरी कंपनी को खरीदा जा सके इसकी डेट एंड कैश इक्वेलेंस को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट रेशियोज में सबसे इंपॉर्टेंट है ईवी टू एबिटा रेशियो ये तकरीबन नाइन एक्स के मल्टीपल पर है जो काफी सस्ता है एस कम्पेयर टू अदर डिजिटल एडटेक प्लेयर्स इन इंडिया और अगर कोई कंपनी टेन एक्स के मल्टीपल से नीचे ट्रेड करती है तो उसे सस्ता माना जाता है और यहाँ से ये शेयर आपको अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है और आगे ईवी टू सेल्स की बात करें तो ये मल्टीपल पर है तो यहाँ इन शॉर्ट ये स्टॉक काफी चीप वैल्यूशन पर ट्रेड कर रहा है आगे चलकर बाइजूस का आईपीओ आने वाला है और इसकी लिस्टिंग के बाद ओवरऑल सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है और सीएल एजुकेट को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है सो so दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को देख रहे हो तो आप एक लॉन्ग टर्म व्यू से देखिए ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छे रिटर्न कमाने का मौका बन सकता है ये वीडियो बस मैंने एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया तो इस वीडियो में दिखाया गया स्टॉक अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप पहले अपनी ओर से जरूर रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके रखिए क्योंकि यहां पर मैं बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ